मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज क्या मैं करने जा रही हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये मेरा आज ब्लॉगिंग का फर्स्ट डे है, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ब्लॉगिंग की जाती है, क्या कितना उसमें मतलब शूट, जो घर में ब्लॉगिंग करते हैं वो क्या क्या शूट करते हैं क्या नहीं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी तो मैं आगे उसमें इम्प्रूवमेंट लाती रहूँगी। मेरे हस्बैंड इस समय वर्क के लिए जा चुके हैं, ये तो मैं भी नहीं बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। धीरे धीरे जब आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी अपने बच्चों को उठाती हूँ मैं जा करके इस रूम में और फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या मैं पूरा दिन अभी करने वाली हूँ। ये मेरा बेटा सो रहा है, अभी 8 बजे है। मैं कह रही हूँ कि जल्दी उठा करे लेकिन उठना ही नहीं चाह रहा है। कह रहा है नहीं मम्मा अभी केवल 8 बजे है, मैं इतनी जल्दी नहीं उठूंगा। पहले तो ये था कि स्कूल जाते थे तो बच्चे 5 बजे 5:30 बजे उठ के जाने की तैयारी करने लगते थे, लेकिन अब सोते रहते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है, रात में पढ़ाई भी करते हैं, तो उठाने की कोशिश करती हूँ उठ जाए तो। इस समय मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या खाना पसंद करेंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। चलिए तो चलते हैं अपने किचन में और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और वो ऑमलेट खाते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ, आज तो मैं प्लेन बना रही हूँ लेकिन चीज़ ऑमलेट भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए वेरी गुड। चलिए अब मेरा बेटा उठ के अपने आप अपना ये फोल्ड करने में लगे हुए हैं। चलिए, मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए कुछ अमेजोन से बर्थडे डेकोरेशन का सामान ऑर्डर किया था, मैं उसी को आज देखने जा रही हूँ। अभी अभी ऑर्डर आया है तो देखते हैं कि क्या क्या है उसमें और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये मैंने कुछ बैलून ऑर्डर किए हैं, ये देखती हूँ मैं इसमें क्या है। निकाल के दिखाती हूँ आपके बच्चों को कि किस तरीके का है ये चीज। वैसे मैंने तो देखा हुआ है, मैंने मंगाया है तो उससे पहले किस तरीके से ये होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से होने के बाद इसको वॉल पे लगाया जाएगा, सुंदर लगेगा ये बहुत। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ और इसमें तो मैं भी काट के देखती हूँ इसके अंदर क्या है।
भूल जाते हैं, उस समय जैसे ऑर्डर किया था तो उस समय याद था कि इसमें क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, फॉयल फॉयल हार्ड है, बैलून जो फॉयल बैलून होते हैं हार्ड शेप में। ये सब मैंने एक साथ ही ऑर्डर कर दिया था, मिक्स एंड मैच है, ये ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही है कॉम्बिनेशन, ये कस्टमाइज है फिर किसी कह लीजिए। उन्होंने एक साथ भेजा है जिसमें मैंने ऑर्डर किया था, तो सभी कुछ इसी में जा रहा है। इसमें भी बैलून्स हैं मेटेलिक और इसके साथ कुछ और भी है। वैसे जब मैं डेकोरेशन करूंगी वो पूरी डेकोरेशन भी आप लोग को दिखाऊंगी। ये शायद स्टार की शेप में है फॉइल बैलून, इसको रख देते हैं दोबारा से, इसी के अंदर रख देते हैं। कुछ समय मिलेगा नहीं, अक्सर ये होता है कि चीजें फिर जब काम उसका होता है जिस तरह चाहिए होती है उसको मिलती नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम ये है। जितना ज्यादा संभाल के रखो किसी चीज को वो जब उसकी जरूरत होगी उस समय नहीं मिलेगी। और इसमें भी कुछ फॉयल बैलून है अलग अलग शेप के, हार्ड शेप में है। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं ये भी जानना चाह रही थी कि आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप जो हमारा डेली रूटीन है उसमें क्या क्या देखना चाहेंगे, और क्योंकि मैं अभी नई हूँ तो ब्लॉगिंग में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या शूट करूँ क्या ना करूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं किस किस तरीके से, मुझे गाइड करते रहिएगा प्लीज़। और हम लोग जब कभी बाहर जाएंगे तो उसका मैं ट्रैवल करते समय भी ब्लॉगिंग करूंगी, तब आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं जा ही नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जितने भी ब्लॉग आएंगे सब घर ही में आएंगे।